नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको लेकर आ गए हैं अपने वाराणसी के रविदास घाट पर, और वाराणसी में जो कि गंगा जी का जलस्तर बराबर बढ़ रहा है और अभी बढ़कर जो कि सीढ़ियों के ऊपर आ गया है पानी, जो कि हर रोज़ पानी बढ़ रहा है। तो आपको हमारे वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं जो कि रविदास घाट का क्या हाल है और किस तरह के नज़ारे यहाँ के हैं, तो वीडियो में बने रहें। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, जो कि नाला बहता है अस्सी घाट का, वह जो कि नाला एकदम पानी से लबालब भर चुका है, जो कि गंगा जी का जलस्तर बढ़ने के कारण पूरा भर चुका है। और जो कि नाले का पानी साफ करने के लिए जो कि लगाए गए थे उपकरण, सारा कुछ डूब गया है, कुछ भी दिखाई नहीं दे पा रहा है। और उस साइड में आपको दिखा दे तो देख पा रहे हैं कि जो भी उपकरण लगाए गए थे और जो कि रूम बनाया गया था टीने का, सारा कुछ डूब चुका है, वीडियो में देख पा रहे हैं। और भी जो कि नावें हैं और कुछ सामानें लेकर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किनारे लगा दिया गया है, देख पा रहे हैं। और जो कि सीएनजी फ्लोटिंग है, वह भी जो कि एक जगह बांध दिया गया है, एकत्रित कर दिया गया है रस्सी द्वारा, यह देख पा रहे हैं जो कि रस्सी द्वारा बांध दिया गया है और एक जगह एकत्रित कर दिया गया है। और जो कि सारी नावों को स्थगित कर दिया गया है, कोई भी नावें चलाई नहीं जा रही हैं, छोटी बड़ी कुछ भी। और यहाँ पे दिख पा रहे हैं जो कि जेटी लगाया गया, इस पर कुछ लोग बैठकर मछलियाँ पकड़ने का काम कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं कि रविदास घाट पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं और यहाँ बच्चे जो कि पढ़ाई कर रहे हैं। और जस्ट देख पा रहे हैं कि चार से पाँच सीढ़ियाँ बाकी है जो कि ऊपर आने में, पानी को देख पा रहे हैं कि जो कि ऊपर और नीचे का देख पा रहे हैं फर्क, तो देख पा रहे हैं जस्ट पानी के पास आपको लेकर हैं। और जो कि नावें हैं बड़ी बड़ी, इस सब को रस्सियों द्वारा बांध दिया गया है। और जो कि चेंजिंग रूम बनाया गया था, यह देख पा रहे हैं पूरा डूब चुका है, थोड़ा छत बस दिखाई दे पा रहा है। और जो कि सारी नावें को स्थगित कर दिया गया है, यह आपको पहले की वीडियो में भी दिखा चुके हैं। और कुछ अपने सामानों को सुरक्षित करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, देख पा रहे हैं। और शाम का समय है तो यहाँ घाट पर काफ़ी सारे लोग जो कि मौजूद हैं, घूमने टहलने वाले लोग। और कुछ इस तरह का नज़ारा है घाट का, सारी नावों को किनारे किनारे लगा दिया गया है जो कि घाट के, और हर समय यहीं से जो कि चलाई जाती थी और यहीं पर जो कि स्थगित भी किया गया है। और यह देख पा रहे हैं जो कि रविदास पार्क का पीछे का गेट है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि पानी लहराते हुए और जो कि गंगा जी का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बह रहा है, देख पा रहे हैं। और यहाँ पे बांस बल्ली जो कि लगाया गया है ताकि लोगों को ऊपर आने जाने में सुविधा हो, और इधर उधर अगर नाव होती है तो मास्क द्वारा पता चल जाएगा, इसलिए लगाया गया है। और देख पा रहे हैं जो कि काफ़ी सारे लोग जो कि रविदास घाट पर आते जाते रहते हैं, और यहाँ पे संध्या काल का समय है तो घूमने फिरने वाले लोग भी मौजूद हैं। और देख पा रहे हैं कि एकदम गंगा जी का पानी जो कि काफ़ी तेज़ी से बह रहा है, और गंगा जी का पानी बहते हुए काफ़ी तेज़ी से नज़र आ रहा है। तो आगे ले चलते हैं तो देख पा रहे हैं कि घाट पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं और घाट का एंजॉय ले रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं। अगर बगल वालों के बारे में नहीं मालूम है, जब फोन जाला तब पता चलेगा। और पानी बिल्कुल जो कि इस साइड में साफ़ है, क्योंकि रास्ता साफ है, इसलिए आराम से सब कुछ बहते हुए चला जा रहा है। और यहाँ इधर देख पा रहे हैं घाट पर जो कि खाने पीने की कुछ चीज़ें भी बेची जा रही हैं, जो कि लोग हैं घूमने फिरने वाले लोगों के लिए सुविधा होती है, खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। तो और घाटों पर तो बेचना भी असंभव हो चुका है, क्योंकि पानी भर चुका है सब घाटों पर। और यह देख पा रहे हैं जो कि रेलिंग लगाया गया था वृद्ध लोगों के लिए, नीचे का पूरा जो कि डूब चुका है और ऊपर का अभी एक बाकी है,
इस समय आपको लेकर एकदम ऊपर ही हैं हम। यह देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो कि एक रास्ता और है जो कि रविदास घाट पर आने का, और यहीं पर लेकर आपको अभी खड़े हैं। और यहीं से जो कि यह क्रूज जो कि लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, और यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि काफ़ी ऊपर जो कि पानी आ चुका है, यह देख पा रहे हैं। और जो कि देख पा रहे हैं किनारे किनारे जो कि गाड़ियाँ खड़ी हैं दीवार के घर मकानों पे, यह जो कि रोड है। और जो कि इसके पहले वाली वीडियो में काफ़ी नीचे पानी था और काफ़ी ऊपर आ चुका है, और इस नाव को और उधर खड़ा किया गया था और नीचे काफ़ी ऊपर आ चुका है। और एक और देख पा रहे हैं कि इस साइड की खड़ा किया गया है, और किनारे किनारे देख पा रहे हैं जो कि बांस बांध कर जो कि कर दिया गया घेराबंदी ताकि कोई अंदर ना जा सके। दोस्तों यह मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को यहाँ का अपडेट जो कि बनारस का सबको पता चल सके।